ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और बस सुबह तो पता ही है, रात में पार्टी चली तो सुबह लेट हो गई, क्या करें। तो सुबह उठे लेट हो गए थे तो आई गेस तुरंत ही ओला शेयर बुक की और बड़ी जद्दोजहद के बाद बुक होती है ओला शेयर। जिसने बुक किया उसको पता है कितनी मेहनत लगती है, चार बार वो फोन करके पूछेगा कि आपका कैश है या ओला मनी। ओला मनी बोलो कैंसिल, डेस्टिनेशन का अरे अपना तो पास ही था। ऑफिस दूर घर लेने की आदत नहीं है हमें। तो सुबह उठे बड़े जद्दोजहद के बाद एक कैब बुक हुई और मैं बस देखा कैब बुक हो गई, गया तुरंत तैयार हुआ और आकर अपनी बिल्डिंग के नीचे वेट करने लगा। कैब आई और मैं जब से आगे की सीट खाली देखी खाली बैठ गया और मैं ड्राइवर को बोलने वाला था कि भैया थोड़ा जल्दी पहुंचा दो वरना मैनेजर आज सर मंडे में आएंगे, मंडे के सही मूड में रहेंगे आज। तो मैं बोलने ही वाला था कि पीछे की सीट से एक आवाज़ आई, भैया थोड़ा जल्दी कीजिए मुझे लेट हो जाएगी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक हल्की लाल रंग की कुर्ती और कानों में झुमके। अब लड़कों की वीकनेस होती है आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर दैट, बट झुमके काफी प्यारे लगते। तो मैं तुरंत आगे मुड़ गया, स्टॉकर नहीं बनना इस दुनिया में, पता नहीं कौन हैशटैग मीटो डाल दे। तो निकले और मैं तुरंत सामने की तरफ मुड़ गया और बट मैंने देखा कि वो काफी उनका लगता था कि उनका ऑफिस का पहला दिन है, अपने सर्टिफिकेट्स की फाइल एक तरफ करते हुए अपने कागजों को दूसरी तरफ। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया कि क्या ये आपका पहला दिन है। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अच्छा जाएगा, मेरी दुआ है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। उन्होंने बस हामी में सर हिला दिया और बोला कि पहली है तो उसके लिए थोड़ी सहमी हुई हूँ। फिर मैंने बोला कुछ रखा भी नहीं दफ्तरों की नौकरियों में, जो ऑफिस जाते हैं उन्हें पता होगा कुछ खास है नहीं दफ्तर की नौकरियों में। मुझे काम करते हुए कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, आई बीन वर्किंग फॉर लाइक 1.5 ईयर ऑल्सो, बट इतना जान चुका हूँ कि इस 9 से 5 की जिंदगी ने मुझे जिंदगी से दूर कर दिया। जिंदगी से इतना दूर कि अब लोगों से मिलने के लिए उनसे एक एक हफ्ते पहले फोन करके बात करनी पड़ती है कि भाई अगले हफ्ते फ्री है क्या, चल ना बियर पे बैठते हैं। तो मैं फिर आगे घूम गया और इसी बीच उन्होंने पूछ लिया कि आपका नाम क्या। मैंने अपना नाम बताया और एक छोटी हल्की सी बातचीत वार्तालाप शुरू हो गई। छोटी इसलिए क्योंकि मुझे उनका डेस्टिनेशन कहाँ था वो पता था और उधर तक की दूरी कितनी है वो पता था। हैदराबाद के ट्रैफिक में टाइम लगता है बट अंदाजा तो वही जाता है, इतने दिन रहे यहाँ पे। मैं निकला वहाँ से और हम धीरे धीरे बातचीत कर ही रहे थे, उनको जानने का क्या कहते हैं जानने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो वो हैदराबाद से नहीं थी, उनका इंटरव्यू था और उसी नौकरी की दरकार बोलो या चाहत बोलो कि अपने आप कुछ कर सकें, उन्होंने उन्हें इस शहर पे ले आया था। तो मैंने भी बस बातचीत शुरू की इसी बीच कि हम कुछ आगे बातें कर पाते, उनका डेस्टिनेशन आ गया, वो उतरी और ड्राइवर को पैसे दिए। वो होता है कि आप चाहे आप ज़्यादा बात ना कर पाए हो बट मेरे मन में पता नहीं क्यों एक छोटी सी असमंजस आ गई कि यार कुछ बात कर लें पूछ लें कि मिल सकेंगे वापस। मैं इस असमंजस में था कि मेरे शीशे पे नॉक हुई और उन्होंने अपनी हल्की सी हंसी छुपाते हुए पूछा कि अगर आपकी दुआ काम आ गई तो आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ।